नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कोरोना सिर्फ वायरस ही नहीं, आज ये लोगों के दिलो दिमाग में गहनता से घर कर गया एक खौफ का नाम बन चुका है, और शायद ही इस नाम को दुनिया का कोई इंसान अपने मन से मिटा पाएगा। चीन के युआन शहर से जन्मा या दृश्य दुश्मन मानव जाति के नामो निशान मिटाने पे तुला है। आज दुनिया के अधिकांश देश इस वायरस के भय से लॉक हो गए हैं, इसमें भारत देश भी शामिल है। देश के प्रधानमंत्री ने 3 हफ्तों के लिए देश में तालेबंदी कर दी है। इस तालेबंदी ने 2 नई और गंभीर समस्या को जन्म दे दिया है, जो फिलहाल कोरोना से भी अधिक खतरनाक स्थिति ला सकते हैं। भारत वह देश है जहां की अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे वास करती है। ऐसे में रोजगार के साधन बंद हो जाने का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल देश के सभी कल कारखाने और प्रतिष्ठानों पर ताले झूल रहे हैं, और उस पर निर्भर लोग घरों में बंद हैं, यानी लोगों की समझ बेरोजगारी और अकेलापन बढ़ गया है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लोग घरों में बंद रहने के कारण मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि मानसिक रोगी हो रहे हैं। ऐसी एक घटना सूरत की है, जहां घर में बंद एक युवक ने खुद को फांसी लगा ली। दूसरी घटना तमिलनाडु की है, जहां श्रीलंका से लौटा एक युवक मानसिक विक्षिप्त हो गया और घर से अर्धनग्न होकर भाग निकला। भागने के दौरान उसने पड़ोस के एक बुजुर्ग महिला को दांतों से काट काट कर मार डाला। दूसरी तरफ लोग बेरोजगारी के आलम में भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। दाने दाने को तरसते लोग कब वैसी हो जाएं, कुछ कहना मुश्किल है। यानी अब सरकार और प्रशासन के समक्ष 3 दुश्मन आ खड़े हुए हैं, जिससे जनता को छुटकारा दिलाने में उनके पसीने छूटने वाले हैं। ऐसे में देश के सभ्य और सक्षम लोगों की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई है। उन्हें हर हाल में अपनी सेवा परिसेवा देनी होगी, क्योंकि इन विकराल होती समस्याओं से निपटना अकेले सरकार और पुलिस प्रशासन के बस की बात है भी नहीं। वहीं आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 18 के पार्षद अमित तुलसान ने लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद असहाय और निरीह लोगों की सहायता करते हुए उनके घर घर जाकर 4.5 किलो चावल, 2 किलो आलू और 2 रू साबुन प्रदान किया, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस दौरान उनके साथ साहेब बावरी, संजय गुप्ता, शुभम अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, दिनेश मोदी आदि शामिल थे। हल्का ही नहीं ठीक है, चावल और आलू वार्ड नंबर 18 में क्यों बांटा जा रहा है? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने के कालीन आदमी लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है। जो आदमी लोग, जो परिवार हमारे वार्ड में असक्षम है, उनको ये चावल आलू और साबुन हम लोग दे रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी और हमारे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी के निर्देश पर ये दिया जा रहा है, ताकि आदमी अपने घर पर रहें। जो परिवार सक्षम नहीं है, उनके घर में खाने का 2 टाइम का अन्न हो, ताकि वो लोग बाहर में ना निकले, इसलिए ये दिया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वायरस से बचने के लिए? एक ही बात उनको देते समय हम लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस को आप लोग हल्के में ना लें,
मास्क बना पहन के रखें, साबुन जो दिया जा रहा है हर घंटे आप लोग साबुन से हाथ धोएं और अपने आप को बचाएं, साथ ही साथ समाज को भी बचाएं। अच्छा, तो ये चावल और आलू जो दिया जा रहा है ये क्या मतलब जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक दिया जाएगा? ये अभी की परिस्थिति को देखते हुए ये कदम हम लोगों ने मिलकर उठाया है, आगे की जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से चिंता करके आगे के बारे में सोच किया जाएगा। धन्यवाद सर। आज आप लोग चावल और आलू किस लिए बांट रहे हैं? ये जो कोरोना वायरस जो अभी प्रकोप चल रहा है इसलिए बहुत सारा आदमी जो है घर से निकल नहीं पा रहे, घर के अंदर है, जो कमाने खाने वाला है डेली का उसके लिए बहुत मैंने आफत आ चुका है, इसीलिए हम लोग का पार्षद हमारा जो काउंसलर है वो अपना एक चिंताधारा व्यक्त किया कि नहीं इन लोग को घर में कुछ राशन पानी जितना हो सके पहुँचाना से अच्छा रहेगा, इसीलिए आज ये किया है। तकरीबन कितने घरों में चावल और आलू जो है दिया जा रहा है? मोटा मोटी लगभग 2000 घरों में, 2000 फैमिली। अच्छा, तो कोरोना वायरस जो अभी है जिस वजह से अभी कर्फ्यू लगा हुआ है तो इससे आप लोगों को इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीतारामपुर के लोगों को सबको बोलेंगे कि घर से ना निकले, जितना हो घर का अंदर ही रहने से बेहतर होगा, जितना सबसे दूरी बना कर रखे उतना अच्छा है। आपका नाम क्या? अंदर ही रहे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अजीत बावरी। धन्यवाद।